हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिक। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि नैनीताल बैंक का डेबिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग नैनीताल बैंक में आपका अकाउंट है और आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे आज के इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, ऊपर यहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन डेट। यहाँ पे आपको आपका आप जिस डेट में फॉर्म को फिलअप करें एप्लीकेशन डेट वहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद ब्रांच नेम, ठीक है। और हाँ, फुल फॉर्म को, पूरा फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना होगा आपका, उसके बाद ब्रांच कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई विश टू अप्लाई फॉर द नैनीताल बैंक रुपए डेबिट कार्ड। माई और आवर अकाउंट है, आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग्स, करेंट, जो भी है यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। सेविंग्स है तो ए से लिख दीजिए, करेंट है तो सी ए लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है आई हैव ए टी एम कार्ड नंबर, लिव बैंक इन नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आपका अगर कोई ए टी एम कार्ड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लिंक टू द अकाउंट नंबर, आई वुड लाइक टू लिंक माई अकाउंट टू द डेबिट कार्ड, आई कंफर्म दैट आई हैव रिक्वायर मैंडेट टू ऑपरेशन अकाउंट साइंग, ठीक है। देखिए और भी लिखा हुआ है यहाँ पे आई और वी अंडरस्टैंड अपन इश्यू ऑफ ए डेबिट कार्ड टू मी और आस द एग्जिस्टिंग एटीएम कार्ड और नैनीताल बैंक लिमिटेड इफ एनी मे बी डीएक्टिवेट। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एटीएम कार्ड है पहले से तो उसको डीएक्टिवेट करके न्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वाले पोर्शन पर जो आपको मैंने कहा था यह एटीएम कार्ड, तो आपको जो एटीएम कार्ड नंबर दे रहे हैं आपका, अगर नैनीताल बैंक का ही एटीएम है उसको डीएक्टिवेट करके आप अगर नई एटीएम अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट नंबर देना होगा, एटीएम नंबर वहाँ पे देना होगा, ठीक है। और जो भी ऑप्शन है वहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए नेम, फर्स्ट नेम, फिर आपको मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम लिखना होगा। मान लीजिए मेरा नाम कौशिक गुप्ता है तो मैं पहले कौशिक फर्स्ट नेम पे, मिडिल नेम नहीं है मेरा, मिडिल नेम छोड़ दूँगा, फिर लास्ट नेम गुप्ता, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। कम्युनिकेशन एड्रेस, आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है एड्रेस प्रूफ जो भी है उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद पिन कोड आपके एरिया का, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे, और हाँ, और टेलीफोन नंबर आपके पास अगर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इस वाले पोर्शन को। उसके बाद आई विश टू हैव इंस्टा कार्ड, आई विश टू हैव ए रुपे डेबिट कार्ड विथ माई नेम प्रिंटेड ऑन इट। अब अगर कोई भी चाहते हैं, अब अगर इंस्टेंट कार्ड चाहते हैं, मतलब कोई नेम वगैरह का नेम कुछ नहीं होगा, सिंपली आपको दे देगा तो टिक कर दीजिए, आपको इंस्टेंट ही मिल जाएगा। या आप नेम अप्लाई करके आप कार्ड के ऊपर नेम लिखा होगा वैसा अगर चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए दूसरे वाले पे। फिर वहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे वो पढ़ लीजिएगा डिक्लेरेशन। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई और वी एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई डेबिट कार्ड एंड एग्री नॉट टू मेक एनी क्लेम अगेंस्ट द नैनीताल बैंक लिमिटेड रिस्पेक्ट देयर, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पे आपका, अगर जॉइंट अकाउंट होता है तो यहाँ पे जॉइंट सिग्नेचर आपका और दूसरे आप के साथ जिसका जॉइंट अकाउंट है उसका सिग्नेचर, अगर नहीं है तो इस वाले पोर्शन पे सिर्फ आपका ही सिग्नेचर होगा, ठीक है। और यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूँ कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, बेल का आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।
और हाँ दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा हो बुरा हो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं आपका फीडबैक पा के वीडियो और भी अच्छा बना सकूँ। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन पे। चलो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाय बाय।